Brought to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस ओटीटी के विनर एलविश यादव इस वीडियो की वजह से एक बार फिर मुसीबत में फंस गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एलविश रेस्टोरेंट में एक शख्स को जोरदार थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो कहां का है और एलविश आखिर क्यों एक रेस्टोरेंट में रेसलिंग करने लग गए, आइए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। आग की तरह वायरल हो रहा एलविश का ये वीडियो 11 फरवरी यानी रविवार का है, जो जयपुर के एक रेस्टोरेंट से सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि जयपुर के एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते निकलते एलविश अचानक से फिर से रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और टेबल पर बैठे एक शख्स को बुरी तरह से जोरदार कई थप्पड़ जड़ते हैं। इस बीच उनकी टीम के मेंबर एलविश को पकड़ता है और समझा कर वहां से ले जाता है। इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जब एलविश रेस्टोरेंट में बैठे शख्स को थप्पड़ जड़ रहे थे, उस दौरान उनके साथ पुलिस का एक जवान भी मौजूद था। लेकिन जब तक पुलिस का वो जवान एलविश को रोकने की कोशिश करता, एलविश शख्स को थप्पड़ मारकर बाहर निकल चुके थे। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद एलविश ने अपने एक्शन का बचाव करते हुए एक ऑडियो जारी किया, जिसमें वो सफाई देते हुए कह रहे हैं कि लड़के की तरफ से भद्दे कॉमेंट पास किए गए, जिसके बाद उन्होंने गुस्से में थप्पड़ मार दिया। भाई देखो, मैटर ये है, ना मेरे को शौक है लड़ाई करने का, ना मेरे को हाथ उठाने का शौक है। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं चलता हूँ नॉर्मल, और जो फोटो खिंचवाने को कहता हम खिंचवाते हैं उसके साथ आराम से फोटो। पर जो कोई पीछे से कमेंट पास करता, माँ बहन की गाली देता, देखो उसको भी नहीं बख्शते। ऑल तो तुम्हें दिख रही होगी, साथ में पुलिस भी है, कमांडो भी चल रहे हैं, कि ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई गलत सलत कर दिया। ये मेरा पर्सनल था, उसने मेरे को पर्सनली बोला, मैंने पर्सनली जाकर साड़े के दे दिया, और मुझे कोई उस बात का गम भी नहीं है कि भाई मुझे रिग्रेट हो। ऐसा ही हूँ मैंने ना उसको कुछ कही, उसने मेरे को गाली बकी तो उसने मैंने उसको दे दिया। मैं अपने स्टाइल में, वो मुंह से बोलता, हम मुंह से नहीं बोल पाते भाई। हालांकि अभी इस पूरे मामले में किसी पक्ष की ओर से कोई भी केस दर्ज नहीं कराया गया है। वैसे आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब एलविश किसी विवाद में फंसे हो। इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी एलविश यादव को नोएडा में एक रेव पार्टी में सांप के जहर से संबंधित मामले में शामिल पाया गया था। नोएडा पुलिस ने इस मामले में एलविश के खिलाफ FIR दर्ज की थी और कई घंटे पूछताछ भी की थी। वहीं जम्मू के वैष्णो देवी में भी एलविश के पीटे जाने की खबर आई थी, जिसका बाद में खंडन आया। एलविश के इस वायरल वीडियो पर और खास करके उनके उस कमेंट पर कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ, आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारी जानकारी मेरी साथी सुप्रिया ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। सिनेमा से जुड़े तमाम अपडेट्स लेने के लिए ललन टॉप सिनेमा पर आते रहिए। शुक्रिया।